अजमेर की केंद्रीय कारागृह में एक बार फिर दैनिक में कैदी के पास मोबाइल व सिम बरामद हुए हैं। इसे लेकर जेल प्रशासन ने सिविल लाइन्स थाने में मामला दर्ज कराया है। मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह ने बताया कि जेल प्रशासन द्वारा देर रात चेकिंग के दौरान बैरिक नंबर 9 में अकेली विनोद के पास सिम और मोबाइल बरामद हुए हैं। इस मामले को लेकर पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने में 3 से 4 बार पुलिस प्रशासन में जेल प्रशासन की चेकिंग के दौरान मोबाइल व सिम बरामद हुए हैं और जेल की 3 स्तरीय चेकिंग के बावजूद भी जेल में मोबाइल सिम पहुंच रहे हैं। यह हैरतगेज बात है कि जेल में मोबाइल कैसे पहुंच रहे हैं और इनका क्या उपयोग हो रहा है, इस पर पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। इस विषय में जेल प्रशासन व सुरक्षा गार्ड से भी पूछताछ की जाएगी। कल सेंट्रल जेल में उन्होंने अपनी रूटीन चेकिंग के दौरान जो मोबाइल बरामद हुआ उसकी जेलर की तरफ से FIR दर्ज हुई है और प्रकरण की तफ्तीश जारी है। विगत कुछ माह से पुलिस के द्वारा भी इन्फॉर्मेशन पर प्रशासन के साथ मिलकर दबिश जाकर चेकिंग की गई है जेलों में, तो हमें जो मोबाइल बरामद हुए हैं उनमें हमने प्रकरण दर्ज करके तफ्तीश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम ये जान सकें कि मोबाइल किस तरह से जेल में पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनका भी एक सिस्टम है सिक्योरिटी का जिसके तहत कैदी अंदर होता है, बाहर होता है और क्लोजिंग होती है, तो सब चेकिंग करते हैं। इतनी सब सिक्योरिटी के बीच भी मोबाइल पहुँचना एक हैरतअंगेज बात है, तो हम उसमें तफ्तीश कर रहे हैं कि ये चीज़ें किस तरह से अंदर तक पहुँच रही हैं।